Now students, we will learn more about atmospheric refraction. We will learn about second example of atmospheric refraction. What is that? Advanced sunrise and delayed sunset. मतलब atmospheric refraction में आपने पढ़ा twinkling of stars का क्या reason है? Atmospheric refraction है. ऐसे ही अगला example है atmospheric refraction का advanced sunrise एंड डिलेड सनसेट. इसका मतलब ये है कि जो सनराइज होता है, आपको पता है सनराइज कहां से होता है? ऐसा लगता है हमें ईस्ट से सन उग रहा है और वेस्ट में वो डूब रहा है. एक्चुअल में होता नहीं है, सन की पोजीशन तो फिक्स रहती है लेकिन अर्थ रोटेट करता है. बट फिर भी हम ऐसा मानते हैं कि या दिखता है हमें कि सन मूव कर रहा है. ठीक है, तो यहां ये बताया जा रहा है कि सनराइज जो होता है ईस्ट से वो एडवांस्ड होता है. एडवांस्ड का मतलब होता है कि हमको पहले तय समय से पहले ही सन दिखाई देता है. ठीक है, और डिलेड सनसेट का मतलब ये है कि सन तो डूब चुका होता है फिर भी हमको जो है सन डूबता हुआ नजर आता है. मतलब सनसेट जो है वो डिलेड हो जाता है, मतलब देर के बाद होता है, कुछ देर के बाद होता है. कितनी देर के बाद होता है? लगभग 2 मिनट के बाद होता है. मतलब ये हुआ जो सनराइज है वो 2 मिनट पहले हो जाता है और जो सनसेट है वो 2 मिनट देर से होता है. ऐसा दिखता है, होता है नहीं, ऐसा दिखता है या फील होता है हमें. ये किस वजह से होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है. इसको हम समझते हैं. द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज. मतलब सनराइज का मतलब अगर देखें तो ये है कि हमारी जो नजर एक एंड पॉइंट तक जाती है जहां पे हमें लगता है आसमान और जमीन मिल रहे हैं, उसको बोलते हैं होराइजन. होराइजन, ठीक है, तो ऐसा लगता है उस होराइजन के नीचे से सन ऊपर आ रहा है. ठीक है, तो होराइजन के वो नीचे होता है और ऊपर जाता हुआ नजर आता है. एक्चुअल में लेकिन क्या होता है, वो होराइजन के नीचे होते हुए भी उसकी इमेज पहले ही ऊपर नजर आती है, इसलिए बोल रहे हैं इसको एडवांस सनराइज. ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है. ऐसे ही जब सनसेट होता है, सनसेट का मतलब उस होराइजन के वो नीचे पहुंच गया. ठीक है, लेकिन होता क्या है, वो नीचे ऑलरेडी पहुंच चुका होता है फिर भी हमको उसकी इमेज ऊपर नजर आ रही होती है. इसका मतलब 2 मिनट के बाद एक्चुअल सनसेट हम देखते हैं, मींस 2 मिनट डिलेड हो जाता है सनसेट. ये वजह है, किसकी वजह से है, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है. ठीक है, सो सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड अबाउट 2 मिनट्स आफ्टर द एक्चुअल सनसेट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. By actual sunrise, we mean the actual crossing of the horizon by the sun. Horizon को cross कर लिया exactly या actually जिस समय पे किया उसको हम बोलेंगे actual sunrise. The apparent flattening of the sun's disk at sunrise and sunset is also due to same phenomenon. Sunrise और sunset के समय एक चीज और observe करोगे आप कि सन जो है पूरी तरह से स्पेरिकल नहीं नजर आएगा, बॉल की तरह नजर नहीं आएगा, थोड़ा सा फ्लैट नजर आएगा. सनराइज और सनसेट के वक्त ऐसा होगा. ये भी किसकी वजह से होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है. इसको आप आगे बढ़ोगे. ठीक है, तो इसको हम समझते हैं ऐसा क्यों होता है. देखिए इस इमेज में अगर आप देखो तो ये जो पोर्शन है वो है अर्थ. ठीक है, अर्थ के ऊपर ये जो आपको दिख रही है ये है एटमॉस्फेरिक लेयर्स. ओके, ये जो लाइन बना हुआ है वो है होराइजन का लाइन. ठीक है, अब ये है सन की एक्चुअल पोजीशन एट द टाइम ऑफ सनराइज, जो कि क्या है, होराइजन के नीचे है. ठीक है, अब होता क्या है एग्जैक्टली, मतलब ये है कि नीचे होने के बावजूद उसकी इमेज ऊपर नजर आएगी. वो कैसे नजर आती है, आप देखो ये सन से जो लाइट रे जा रही है वो एटमॉस्फेयर पे जब ट्रेवल करती है तो एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स के कारण वो बेंड होती जाती है.
कंटिन्यूसली। कंटिन्यूसली बेंड होने के बाद मान लीजिए ऑब्जर्वर यहाँ पे इस पोजिशन में है, तो ऑब्जर्वर को लगता है कि जो इमेज जो लाइट रे है वो इधर से आ रही है, मीन्स ये जो पोजिशन है वो कहलाती है सन की। एक्चुअल में सन कहाँ पे है, नीचे है, लेकिन नजर कहाँ आता है, ऊपर नजर आता है, ये लाइट रे की बेंडिंग की वजह से हुआ। और ये एग्जैक्टली 2 मिनट का डिफरेंस होता है यहाँ पे, मतलब होराइजन के जब नीचे होता है सन तो वो पहले से 2 मिनट पहले से ही ऊपर नजर आने लगता है। ऐसे ही सनसेट पे क्या होगा, सनसेट में वो सन होराइजन के नीचे पहुंच चुका होगा, ठीक है, और लेकिन उसकी इमेज हमें पहले से नजर आ रही होगी होराइजन के ऊपर। इसको आप यहां देख सकते हो, दोनों को कंपेयर कर सकते हो, सनराइज एंड सनसेट को। तो ये था सनराइज, ओके, ये सनराइज है जहां पे होराइजन के नीचे है सन लेकिन उसकी इमेज ऊपर नजर आ रही है, ठीक है, और ये है सनसेट, ओके, होराइजन के नीचे सन पहुंच चुका है ऑलरेडी, मतलब सन ऑलरेडी डूब चुका है लेकिन अभी भी हमको उसकी इमेज वहां नजर आ रही है, मतलब सनसेट एक तरह से क्या हुआ, डिलेड हो गया, और सनराइज क्या हो गया, एडवांस हो गया, मतलब पहले ही सनराइज हो गया, 2 मिनट पहले ही सनराइज हो गया और 2 मिनट के बाद भी सनसेट नहीं हुआ, मतलब डिले हो गया। तो ये किसकी वजह से होता है, सन से आने वाली लाइट रे के एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से।